सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड मामले में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाना में जीरो एफआईआर दर्ज किया था। दरअसल 30 जुलाई को कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ कोलकाता में पकड़ा गया था, जिसके बाद झारखंड की सियासत में बेहद हलचल भी देखने को मिल रही थी। वहीं इस बीच बेरमो विधायक अनूप सिंह को 16 दिसंबर को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था कि वो 24 दिसंबर को ईडी कार्यालय आए। हालांकि तय तारीख के अनुसार अनूप सिंह ईडी कार्यालय 24 दिसंबर को करीब 11:15 बजे पहुंचे थे और लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब अनूप सिंह ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई बातों को कहा है। इसी मसले पर इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब अनूप सिंह बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बात कही कि सरकार गिराने की साजिश में जितने लोग थे उन्हें अब धीरे धीरे करके ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल का दिन अनूप सिंह के लिए बेहद खास था और करीबन 10 घंटे ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ की गई। कई ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनका जवाब उनसे लिया गया। तमाम सवालों का जवाब दिया नहीं दिया वो बेहतर अनूप सिंह बताएंगे, ईडी बताएगा, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ईडी ऐसी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं देता है। लेकिन 10 घंटे की पूछताछ के बाद जब अनूप सिंह दफ्तर से बाहर आते हैं यानी ईडी कार्यालय से, उसके बाद करीबन 3:15 का वो एक बयान देते हैं और प्रेस मीडिया से बात करते हैं। उन तमाम चीज़ों को वो बताते हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अंदर बेहद कॉर्डियल माहौल था, बहुत उनकी आवभगत हुई, खाना पीना किया गया, ईडी के अधिकारियों ने मान सम्मान पूरा दिया। लेकिन क्या कुछ सवाल पूछे गए इस बारे में कोई स्पष्टता से उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आखिरी लाइन जो उन्होंने कही वो बहुत गंभीर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जो उनसे पूछताछ होनी थी वो हो चुकी है और जब भी ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाएगा वो सशरीर मौजूद रहेंगे यानी फिजिकली वो आएंगे। लेकिन अब उनसे पूछताछ होगी जिन लोगों ने सरकार गिराने की साजिश में शामिल रहे हैं। अब तो बड़ा और अहम सवाल है कि सरकार गिराने की कोशिश कौन कर रहे थे? क्या ये 3 विधायक शामिल थे, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी? क्या इनसे पूछताछ की जाएगी? इरफान अंसारी लगातार कह रहे हैं कि अगर ईडी हमें नहीं भी बुलाएगा तब भी हम पूछताछ के लिए जाएंगे। तो क्या अब इन 3 लोगों की बारी है? जीरो एफआईआर में अनूप सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी जिक्र किया था, उनका भी नाम लिया था। तो क्या उनसे भी पूछताछ होगी? क्या अनूप सिंह का इशारा यह है कि जो झारखंड के बाहर जो लोग शामिल रहे हैं उनसे भी पूछताछ होगी, ईडी उनसे भी जवाब तलब करेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो अनूप सिंह के इस जवाब से निकलते हैं कि आने वाले दिनों में ईडी कई और लोगों से पूछताछ करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय यह है कि झारखंड सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी और करीबन 50 लाख रुपए के साथ कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो कोलकाता से पकड़े गए थे। उसके बाद आनंद फानन में यही अनूप सिंह जो होते हैं वो जीरो एफआईआर कराते हैं और उसी एफआईआर को ईडी कहीं ना कहीं टेक ओवर करता है और उस बुनियाद पर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अनूप सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई अभियुक्त नहीं है, वो कोई दोषी नहीं है, वो एक सहयोगी की भूमिका में है, चूँकि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लिहाजा ईडी उनसे पूछताछ करनी चाहती है, जो सवाल उनसे पूछे गए उनका वो जवाब दिया है। लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताने की कोशिश की है कि वो कहीं ना कहीं आरोपी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सहयोगी की भूमिका में है और कहीं ना कहीं ईडी को वो सहयोग कर रहे हैं जी। लेकिन लगातार कांग्रेस के विधायकों पर ही सवाल खड़े होते हैं, अब 3 विधायक कटघरे में खड़े हैं। हालांकि इरफान अंसारी जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं कि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो अपने कार्य से कोलकाता गए हुए थे और यहाँ साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। तो दूसरी ओर अनूप सिंह कहते हैं कि सरकार गिराने की साजिश से तीनों गए हुए थे। अभी तक हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या कुछ सही था क्या कुछ गलत था। आप कई विधायकों से बात की है, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब शीतकालीन सत्र 5 दिवसीय चल रहा था तो इस सवाल को लेकर हम लोगों ने सत्ता पक्ष के लगभग ये कहें कमोबेश सभी लोगों से हम लोगों ने इस सवाल को से पूछा और तमाम लोगों ने ये कहा है कि जो पार्टी ने उस टाइम जरूरी समझा उस काम को, उस एक्शन को लिया है। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि इरफान अंसारी ने यह कहा है कि अब उनकी कोई नाराज़गी नहीं है पार्टी से, कोई गिला शिकवा नहीं है। इवन कि जिस अनूप सिंह का वो नाम नहीं लेना चाहते थे उन्होंने कहा कि उनसे भी उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, उनसे भी कोई बातचीत का ऐसा कोई खौफ और डर नहीं है। वो पहले जैसे माहौल में रहते थे वैसे ही माहौल में अभी भी रहते हैं। इस सवाल को जब राजेश कच्छप से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि एक बवंडर था, एक तूफान आया था जो ख़त्म हो चुका है, चल चुका है और पार्टी को निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो इरफान अंसारी के पिता हैं फुरकान
रेहान अंसारी, उन्होंने जो हंसी मजाक के लहजे में कहा, अगर आप इसे गंभीरता से और संजीदगी से लेना चाहें तो ले सकते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी को कोई निलंबित नहीं कर सकता है अनलेस और अनटिल वो विधायक, वो नेता, वो जनप्रतिनिधि कमजोर ना हो। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इरफान अंसारी कमजोर है, इस वजह से उनको निलंबित किया गया है। हालांकि जो कुछ हो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, लिहाजा इसको आधिकारिक तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस में जो भी अभी कुछ हो रहा है वो बहुत आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। कांग्रेस में इस तरह की चीज़ें होती है और बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है, इसमें उठा पटक होता है। लेकिन जो है राजेश कच्छप हो, विक्सल कुंगाड़ी हो या फिर इरफान अंसारी हो, अब कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर पा रहे हैं, फेमिलियर नज़र आ रहे हैं, मीडिया से कंफर्टेबली बात कर सकें, अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं है, सामान्य हो गया है। लेकिन एक बवंडर, एक तूफान उनकी ज़िंदगी में आया था 3 महीने के लिए, वो चला गया है, लेकिन उसका असर और उसका प्रभाव अभी बाकी है। लेकिन आपने फुरकान अंसारी का नाम लिया है, जब तीनों विधायक जेल जा चुके थे तब फुरकान अंसारी ने एक पीसी रखा था, प्रेस वार्ता रखा था, उसमें उन्होंने तमाम चीजें रखा था। उन्होंने कहा था कि तीनों विधायक को फंसाया जा रहा है, खासतौर पर इरफान अंसारी को, और उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया था कि इनके द्वारा फंसाया जा रहा है। देखिए, एक पिता के तौर पर वो इस तरह की बातें कह सकते हैं। जब इस सवाल को लेकर आप लोग जब गए थे अनूप सिंह के, तो उन्होंने कहा था वो उनके पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, लिहाजा उनके बात पर कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे। लेकिन फुरकान अंसारी ने जो बातें कही हैं, एक पिता के तौर पर वो बातें सही हो सकती हैं, लेकिन पार्टी फोरम में उन्होंने बातें क्या कही हैं ये इंपॉर्टेंट है। पार्टी फोरम में रहते हुए हमें नहीं लगता है किसी ने किसी तरह से अग्रेसिव होकर उन्होंने इस विषय को उठाया हो। यह अलग बात है कि दिल्ली में वो लगातार जाते हैं, दिल्ली के संपर्क में रहते हैं, नेताओं के पर्क में रहते हैं, लिहाजा उन्होंने ये बातें कही होंगी। लेकिन ये सच्चाई है कि आज के दिन भी इरफान अंसारी समेत 3 विधायकों को निलंबन वापसी को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब ये सवाल हम लोगों ने पूछा था कि पिछले दिनों ही जब वो कोलकाता में थे उसी दौरान अनुशासन समिति ने 3 विधायकों को शोकॉज किया था और अपना स्टैंड रखने के लिए कहा था, उस दौरान ये विधायक चूंकि जमानत पर थे लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते थे, कोलकाता से बाहर नहीं आ सकते थे, लिहाजा वो जवाब नहीं दे पाए थे। अब उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया है अनुशासन समिति में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और उस निलंबन वापसी को लेकर क्या कुछ अनुशासन समिति कर रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। कहा जा सकता है ना कि झारखंड कांग्रेस 2 गुट में बढ़ चुकी है। एक कांग्रेस, एक गुट कहती है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है उन्हें हटाया जाए, तो दूसरे कहते हैं कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हमेशा से इस तरह की चीजों को, इस तरह के द्वंद से झेल दो चार होता रहा है, अभी भी वर्तमान में बहुत स्थितियां बदली नहीं है। जो गुट इस तरह के बयानबाजी कर रहा है उस पर निलंबन की और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो तलवार है वो लटक चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड कांग्रेस में घमासान जारी है और इस बीच बेरमो विधायक अनूप सिंह को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है और अनूप सिंह 24 दिसंबर को ईडी कार्यालय जाते हैं। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने की साजिश में जो लोग शामिल है उन्हें भी ईडी में आना पड़ेगा, यानी कि ईडी की ओर से उन्हें भी बुलाया जाएगा। अब देखना यही होगा कि ईडी की दबिश जिस तरीके से झारखंड में देखने को मिल रही है, अब ईडी के रडार में आखिर कौन कौन आते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ सहयोगी शहनवाज, मैं करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।